सभापति महोदय, देखिए सच सच बड़ा कड़वा होता है। खतियानी जोहार यात्रा उसको नहीं लिखा जाए अध्यक्ष महोदय, विश्वासघात यात्रा लिखा जाए। इन्होंने झारखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया। 1932 का खतियान बोलकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी के नाम पर वोट पाके अब कहाँ गए 2016। अब गिरगिट को आप सिखाइएगा रंग बदलना अध्यक्ष महोदय, तो ये जो है जेब में वो कांग्रेस वाले गिरगिट से भी ऊपर है अध्यक्ष महोदय। 3 साल में इन्होंने नियोजन नीति तक नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय। आज सड़क पर युवा है, सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। जनता को ठग के, जनता को झूठे वादे करके वोट लेके सत्ता पे काबिज हो गए, और आज 3 साल में अभी पेपर में ऐड आ रहा है कि आपकी राय लेंगे, और अभी आज के पेपर में फ्रंट पेज है कि 2016 का पहले वाला नियोजन नीति लाने वाली है कल की कैबिनेट में सरकार। हम लोग बचपन में खेले हैं लूडो, आप भी खेलोगे सभापति महोदय। नीचे से बड़ी मुश्किल से ऊपर तक जाता है और वहां पर एक सांप रहता है 99 में, काटता है और सीढ़ी से सीधे नीचे उतर जाता है। यही कहना है सभापति महोदय, सभापति महोदय, देखिए सच सच बड़ा कड़वा होता है सभापति। गांव में कहावत है लौट के बुद्धू घर को आए। इतना साल ड्रामा करने का क्या जरूरत था? 3 साल सत्ता में बनने के बाद 32-36 स्थानीय, तो इससे अच्छा बोलते कि जब पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी, जो रघुवर दास ने जो नियोजन नीति बनाई थी वही ठीक था। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे झारखंड के नौजवान रो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितनी पीड़ा उनकी है, आपके लिए बोल रहे हैं मंत्री जी, सरकार अभी मैं बताऊंगा लाया हूं सर। आपका कांग्रेस का घोषणा पत्र, जेएमएम का घोषणा पत्र, जो आपने कहा वो किया कि नहीं किया उसको पढ़ूंगा, फिर आप बोलिएगा कि मैंने गलती से लिख दिया। जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, युवाओं को रोजगार कब, प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब, महिलाओं को सुरक्षा कब, बलात्कारियों पर नकेल कब, भ्रष्टाचार पर अंकुश कब, तुष्टिकरण एवं धर्मांतरण पर अंकुश कब, स्थानीय नीति नियोजन नीति का निर्माण कब, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कब, पत्थर पहाड़ बालू खनिज सम्पदा की लूट में अंकुश कब, ध्वस्त कानून व्यवस्था में सुधार कब। अध्यक्ष महोदय, हम लोग को पता था इन पर, इनको मंत्री जी को पर बोल देते हैं, बंदा बिकाऊ है सबको पता था। रद्दी के भाव बिकेगा ये किसको पता था? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस के माननीय मंत्री सदस्य बैठे हुए इन्हीं का घोषणा पत्र है। 2019 का जब चुनाव के पहले हम लोग भी सभी माननीय सदस्य चुनाव में जाते थे, गांव घर में बोलता था भैया गड़बड़ हो गया, हम बोले क्या हुआ, बोला कांग्रेस वाला वादा कर दिया है गड़बड़ हो गया, हम बोले क्या हुआ, हम भी इसको निकाले कागज में देखे क्या है। हम सरकार, हमारी सरकार बनते 6 महीने के भीतर सरकारी रिक्तियों में भर देंगे, सभी को नौकरी मिलेगा, हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, मैं लिख के नहीं लाया हूं, डाउनलोड कर लीजिए। उसी में जेएमएम का भी है सर। अभी पहले यहां का तो पहले अपना बात सुन लीजिए सरकार का। यहां पे जेएमएम ने कहा था युवाओं के अधिकार की बात, देखिए इसमें बहुत अच्छा फोटो भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बदलो सरकार पाओ अधिकार,
निश्चय पत्र, निश्चय जो अभी कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं, इन्होंने कहा राज्य गठन के 2 साल के अंदर विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह 5,000-7,000 रुपया दिया जाएगा और 5,00,000 नौकरी हर वर्ष दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे झारखंड के नौजवान रो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितनी पीड़ा उनकी है, ये 3 साल में इन्होंने नियोजन नीति तक नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, आज सड़क पर युवा हैं, सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जनता को ठग के, जनता को झूठे वादे करके वोट लेके सत्ता पे काबिज हो गए और आज 3 साल में अभी पेपर में ऐड आ रहा है कि आपकी राय लेंगे और अभी आज के पेपर में फ्रंट पेज है कि 2016 का पहले वाला नियोजन नीति लाने वाली है कल की कैबिनेट में सरकार। हम लोग बचपन में खेले हैं लूडो, आप भी खेलोगे सभापति महोदय। नीचे से बड़ी मुश्किल से ऊपर तक जाता है और वहां पर एक सांप रहता है 99 में, काटता है और सीढ़ी से सीधे नीचे उतर जाता है। यही कहना है सभापति महोदय, सभापति महोदय, देखिए सच सच बड़ा कड़वा होता है। सभापति नहीं, ये जो भाषण दे रहे हैं, अब भाषण के कुछ शब्द पर मुझे आपत्ति है। अध्यक्ष, आपत्ति ये है कि अध्यक्ष महोदय जिस कांग्रेस और जेएमएम की बात कर रहे हैं, अब गिरगिट को आप सिखाइएगा रंग बदलना। अध्यक्ष महोदय, तो ये जो है जेएमएम और कांग्रेस वाले गिरगिट से भी ऊपर है अध्यक्ष महोदय, और ये सब वायदा करके मुकरते हैं कि गिरगिट को सिखा रहे हैं। क्या बोलिए, गिरगिट को क्या समझाइएगा? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज आज मुख्यमंत्री जी, बच्चे मंत्री जी, सभापति महोदय, सभापति महोदय, कल मैं सुन रहा था, सभापति महोदय, मैं कल सुन रहा था कि सबसे ज्यादा राज इधर भाजपा के लोगों ने किया। इनको मैथमेटिक्स का थोड़ा करेक्शन का ज्ञान का कमी है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए, नोट कीजिए, इसलिए कि 2000 में झारखंड अलग हुआ और आज 2023 है। मैं बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जी का अभी का कार्यकाल लगभग 34 महीना हो गया। अध्यक्ष महोदय, गुरु जी 1 साल तक सीएम थे। अध्यक्ष महोदय, मधुकोड़ा जी के मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस जेएमएम समर्थन से 2 साल सरकार चला। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन 1.5 साल रहा। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी और जेएमएम गठबंधन में जिसमें डिप्टी सीएम थे अध्यक्ष महोदय, उस समय 2 साल रहे और फिर 13 में यही स्थानीय नीति, यही 1932 लागू करेंगे बोल के माननीय जेएमएम हेमंत सोरेन जी सरकार से अलग हुए और उस समय भी 14 महीना के लिए थे, लगभग 9 साल। अभी आप 9 से 10 साल शासन में है, 50-50 है, गिरेबान में अपना जांच के देखिए। और अभी जो खतियानी जोहार यात्रा, आंकड़ा गलत है, हम आपको बताते हैं, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, गलत आंकड़ा है। अभी मैं देख रहा हूँ रोज पेपर में, अभी मैं देख रहा हूँ खतियानी जोहार यात्रा, मैं इसमें थोड़ा आपके माध्यम से इधर राय दूंगा। खतियानी जोहार यात्रा उसको नहीं लिखा जाए अध्यक्ष महोदय, विश्वासघात यात्रा लिखा जाए। इन्होंने झारखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया 1932,
का खतियान बोलकर यहाँ के मूल निवासी आदिवासी के नाम पर वोट पाके अब कहाँ गए 2016। गांव में तो कहावत है अध्यक्ष महोदय, गांव में कहावत है लौट के बुद्धू घर को आए। इतना साल ड्रामा करने का क्या जरूरत था? 3 साल सत्ता में बनने के बाद 32-36 स्थानीय, तो इससे अच्छा बोलते कि जब पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी, जो रघुवर दास ने जो नियोजन नीति बनाई थी वही ठीक था। आप वही कीजिएगा, मैं जानता हूं कल होने वाला है कैबिनेट, उसी में थोड़ा संशोधन कीजिएगा। काहे कि आप तो अपना जितना एक्सपेरिमेंट करना था वो कर लिए, हाईकोर्ट में जाके गिर गया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी, सदन से हमको जहाँ लगता है कि सर्वसम्मति से ही शायद पास हुआ था 32। बढ़िया सिर्फ बैठिए, बड़ी बैठे, शायद सर्वसम्मति से हमको, हम गलत अगर नहीं है तो। अध्यक्ष महोदय झारखंड में सब रिकॉर्ड बन रहा है, बोलिए। नंबर 1 है झारखंड, क्या चीज में है रिकॉर्ड क्या है? 36 महीने में 5,500 लोग की हत्या, 36 महीने में 5,152 बेटियों की बलात्कार। अरे बलात्कार का यार बोल, आप कल अध्यक्ष दुमका, जिस जगह से मुख्यमंत्री का गृह जिला है, एक हमारी आदिवासी बेटी फुटबॉल मैच देखकर आ रही थी, वो भी नाबालिग, 10 लड़कों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। शर्म होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये सरकार जिस दिन अखबार खोलिए उस दिन गैंगरेप, आज देखिए 5,152 बेटियों का बलात्कार, 4,734 अपहरण, 29,212 चोरी। ये आंकड़ा, और सबसे बड़ा बात अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पलामू पांकी से विधायक जी बोल रहे थे, एक और चीज में नंबर 1 है झारखंड, पूरे देश में आंकड़ा हमारे सीनियर मंत्री हैं, गंभीरता से सुनते हैं, पूरे देश में दंगा कहां हुआ सबसे ज्यादा? पूरे देश में 385 हुआ और झारखंड में कितना हुआ? उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया, 102 दंगा 36 महीने में हुआ अध्यक्ष महोदय। ये कांग्रेस और जेमा आरजेडी की सरकार में 102 यहां पर दंगा हुआ अध्यक्ष महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार झारखंड में 18 से 30 साल की महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। शर्म आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बड़ी बड़ी बात यहां पर लिख दिए, बड़े बड़े लोगों को वादा कर दिए, यहां नौकरी के नाम पर पिछले बार मंत्री जी ने कहा था 1 किलो दाल अनाज में दे, राशन में देंगे, कहां गया दाल? अभी तक टेंडर नहीं हुआ। इसमें आप घोषणा कर देते हैं अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़वा देते हैं, देखिए ये पेपर देखिए, अब बोलिएगा कि मैं छाप के लाया हूं। आदिवासी गांव के लिए मिले 135 करोड़ केंद्र द्वारा मिला, झारखंड का नहीं है, मोदी जी ने भेजा 135 करोड़, खर्च हुआ 13 करोड़। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आदिवासी का बात करने वाली आप, आदिवासी समाज के लिए जो पैसा आया उसको खर्च नहीं कर पा रहे, आप विकास विरोधी है। यहां पर खाली पड़े कंडम हो रहे हैं 212 करोड़ से बने विस्थापितों के लिए 400 मकान। हमारे लोबिंदा यहां सदन में बोले, कांग्रेस भी बोला कि विस्थापितों को जो जमीन अतिरिक्त है, यही विधानसभा मंदिर के जहां हम लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना खाली जमीन है विस्थापित को वापिस करेंगे, ना जमीन मिला ना घर मिला, ये भी कंडम हो गया अध्यक्ष महोदय।